जय श्री कृष्ण दोस्तों, आज हम बात करेंगे गणेश चतुर्थी पर सुपारी से करें उपाय, धन ध्यान से भर जाएगी आपकी झोली। तो दोस्तों, गणेश चतुर्थी पर करें सुपारी का ये उपाय, धन ध्यान से भर जाएगी आपकी झोली। सुपारी गणेश जी की प्रिय वस्तु मानी जाती है। शास्त्रों के अनुसार सुपारी को गणेश जी का प्रतीक स्वरूप भी माना जाता है। इसे गणेश जी की प्रतिमा के न होने पर सुपारी को उनकी जगह रखा जा सकता है। ये छोटी सी सुपारी लोगों की जिंदगी बदल सकती है। तो क्या है इसके उपाय, आइए जानते हैं। मनोवांछित फल की प्राप्ति के लिए गणेश चतुर्थी के दिन दाएं और सूंड वाले गणपति का पूजन करें, साथ ही उन्हें 5 व 7 सुपारी अर्पित करें। ऐसा करने से गजानन प्रसन्न होंगे और आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी होंगी। अगर आप कार्य क्षेत्र में सफलता पाना चाहते हैं तो गणेश जी के सामने 2 इलायची और 2 सुपारी रखें। अब जब कभी भी इंटरव्यू या किसी खास काम के लिए बाहर जा रहे हो तो भगवान को भेंट की गई ये इलायची और सुपारी अपनी जेब में रख लें। ऐसा करने से आपके काम बन जाएंगे। अगर आपके घर में हमेशा लड़ाई झगड़ा होता रहता है तो इससे छुटकारा पाने के लिए गणेश जी को 2 लौंग अर्पित करें। अब रोजाना 1 लौंग को अपने मुख में रखकर काटो कलेश मंत्र का 21 बार जाप करें। ऐसा करने से कलह खत्म हो जाएगा। अगर किसी के घर में बुरी शक्ति का वास है तो इसे दूर करने के लिए गणेश जी की मूर्ति व तस्वीर के सामने एक सुपारी रखें। ओम गम गणपते नमः मंत्र का 21 या 11 या 21 बार जप करें। अब प्रत्येक मंत्रोच्चारण के बाद सुपारी में फूंक मारें। अब इस सुपारी को अपने प्रवेश द्वार पर लाल व पीले कपड़े में बांधकर टांग दें। इससे परेशानी दूर हो जाएगी। बेशुमार दौलत पाने और हमेशा धन बनाए रखने के लिए गणेश चतुर्थी के दिन भगवान गणेश को 1 सुपारी, कुछ चावल के दाने और 1 श्री यंत्र भेंट करें। अब पूजन के बाद इन चीजों को अपनी तिजोरी में रख लें। ऐसा करने से घर में माँ लक्ष्मी का वास होता है। अगर आप नौकरी पाना चाहते हैं या शादी करना चाहते हैं तो गणेश चतुर्थी के दिन 1 पीले कपड़े में 1 सुपारी रखें। अब गणेश जी के साथ सुपारी में भी कुमकुम लगाएं। अब गणपति का ध्यान करें। इसके बाद इसमें थोड़े चावल छिड़कें। इसके बाद कपड़े को लपेटकर अपनी तिजोरी या रुपए पैसे की जगह रख दें। इससे धन की वृद्धि होगी। आपको हमारी जानकारी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।